में बहुत ज़्यादा घास उग गई है। देखिए धोनी मेरी है बागवाना। ओहो इसमें तो बहुत ज़्यादा, ये क्यों हो गया, इसमें से ही इतना छांटा आई। बारिश में बस यही होगा भाई और कुछ नहीं। और 7 बजे का टाइम, अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। 7 बजे के आसपास का टाइम होगा। सुबह उठते ही मैंने आज कुछ सिलने का काम किया जो मेरा पेंडिंग पड़ा था, और अभी है ब्रेकफास्ट टाइम। मैंने सोचा चलो बाहर धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर दूसरे काम करूँगी, क्योंकि आज मुझे लॉन भी साफ़ करना है। और देखते हैं फिर कितना टाइम बचता है और क्या हो सकता है, मतलब जितना भी टाइम होगा जितना भी निपटा सकती हूँ मैं सुबह काम वो निपटाऊँगी। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं धूप में बैठ के, क्योंकि अभी भी सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब अंदर बैठ के ठंड लगती है। फिर बाहर धूप में अच्छा लगता है आजकल बैठना सुबह के टाइम, क्योंकि दिन में अगर धूप आए तो तब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वरना सुबह अच्छा लगता है। तो मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट और उसके बाद, और मैं था जी सुबह सुबह वहाँ चले गए हैं पार खेत में, वहाँ पे छंटाई हो रही है। अब ये हम खेत साफ़ करेंगे, इसमें बीजेंगे मक्की, क्योंकि मक्की से पौधे भी बढ़ते हैं और बहाने से खेत भी साफ़ हो जाएगा। और ये है सुबह का व्यू यहाँ से, जो कुछ इस तरह का है। ये है ऊपर खड़ोला गांव। वहाँ पे चढ़ेड़ा है, पीछे चढ़ेड़ा खुली घाट एरिया। और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है सुबह सुबह। आजकल तो अगर टाइम से ना उठो तो धूप बिस्तर पे ही आ जाती है। मैं यहाँ धूप के पास बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी है, अभी भी सुबह ठंड है। और मेरे लॉन में बहुत ज़्यादा घास हो चुकी है। अभी मुझे पहले तो दीदी की सलवार के पोंचे बनाने हैं जो मेरे 4 दिन पहले से पड़े हैं, क्योंकि 2-3 दिन में कोटीधार में ही थी, वापसी नहीं हुई थी मेरी। पोंचे बनाने के बाद फिर मुझे लॉन साफ़ करना है पहले। चलिए फिर पहले पोंचे बना देती हूँ। वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मेहता जी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है सुबह सुबह। सिलने जाने वाली थी, उतने में मेरी ड्रम की तरफ नज़र पड़ी तो देखा इसमें काफ़ी ज़्यादा मैल जम गई थी नीचे, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें पानी भी कम था। तो मैं सोचा पहले इसको साफ़ कर देती हूँ, उसको भरने को लगा देती हूँ और उतनी देर फिर खुद सिलने बैठ जाती हूँ। फिर मैं कर रही हूँ इसको साफ़ पहले और उसके बाद बैठूँगी, क्योंकि जितने देर मैं सिलूँगी उतने देर ये भी फिर भर जाएगा, फिर मेरे 1-2 काज हो जाएंगे। इस तरह से होते हैं सुबह के काम निपटाने। ड्यूटी जाने से पहले बहुत से काम होते हैं जो मेरे निपटने चाहिए होते हैं, तो वही कोशिश मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मेरे हो जाए काम, मतलब जो भी है छोटे मोटे। चलिए जी लगा देती हूँ पानी भरने को। और जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे उसके बाद मैं बैठी थी सिलने, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे दीदी की सलवार तैयार, जिसके सिर्फ पोंचे रह गए थे बनाने को, बाकी तो उन्हें कम्प्लीट, क्योंकि मेरे पास रील नहीं थी उस वजह से मैंने ऐसे छोड़ी थी। अब जाके फिर मैं बाज़ार से रील लाई और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे सलवार, और जो मेरी बन के हो चुकी है तैयार। ये देखिए ये है वो सलवार जो मेरी छूट गई थी, कमीज़ तो मैंने पहले बना दी थी, और अब मेरे दीदी के हो गए 2 सूट कम्प्लीट। कम 10 महीने बाद आज गाड़ी में जा रही हूँ मैं इस रोड से, पर अभी ड्रेसिंग तो करने को है, बहुत ख़राब है रोड, बट खुल गया है बड़ी मुश्किल से। जैसे कि आपने देखा कि हमारा रोड 10 महीने बाद अब खुला है,
अभी भी प्रॉपर अच्छे से नहीं खुला है, अभी उसमें थोड़ा सा ड्रेसिंग करने को है, मतलब साफ नहीं। से मौसम थोड़ा साफ है और आज भी सुबह से साफ था, और आते मम्मी तो चले गए हैं लेबर के साथ खेत, कुछ कराना है काम वहाँ पे, क्योंकि कराना भी पड़ता है। और मैं तो अब लंच करके फिर रेस्ट करूँगी। चलिए फिर लंच तैयार है, करते हैं। और वहाँ पे जा रही है सामने 4 बजे वाली बस, रामपुर नारकंडा, रामपुर नारकंडा जाते हुए। और मैं अभी तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं भी जा रही हूँ कहीं आज, मैं आज जा रही हूँ शादी में, जिसके लिए मैं अभी तैयार हो रही हूँ। मैं सोचा चलो बस दिखा देती हूँ पहले आप लोगों को साथ साथ में। ये देखिए यहाँ पे कितनी तेज़ धूप है आज, धूप में खिलखिलाते हुए ये फूल। जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं तजी के मावड़े के पास जाने के लिए। चलिए जी मैं तैयार हो गई हूँ। चलिए जी हम चल पड़े हैं सबसे पहले, जैकेट जुकेट पहन के जा रही है मैं तजी, मैं तो एक कुर्ती में जा रही हूँ। ये हमारा बुट्टी का मेन बाजार, बाजार को मैं आज लेती हूँ ना, बैठी ने मारे बो। और शादी में हमारी साथ जा रही है हमारी बड़ी बहू, इन्हीं की वजह से मैं भी तैयार हुई कि मैंने सोचा चलो कंपनी है तो मैं भी चली पड़ती हूँ। 6:15 बजे हम पहुंच चुके हैं सड़क में। Thank you.
मेरा।